हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सिग्नल एकेडमी। दोस्तों मैं हूं अजीत और आज की इस वीडियो में मैं 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का एनालिसिस करवाने वाला हूं। जिन भाई और बहनों का आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उसी को इसमें कराने वाला हूँ जो बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। और यह अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आप गारंटी देता हूँ कि मैथ के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा था हम लोगों से कि x इक्वल टू 3 के पावर 2 इंटू 2 दे रखा था, y इक्वल टू दे रखा था 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 दे रखा था, z इक्वल टू दे रखा था हमें 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 दे रखा था। ऐसे हमसे पूछ रहा था एलसीएम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम क्या होगा, यानी लासा इसका क्या होगा दोस्त। तो आइए हम लोग पहले एक्स वाई को निकालते हैं। तो एक्स वाई अगर दोस्त निकालते हैं तो ये होगा, देखिए x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो देखिए इसके पावर हम लोग 2 के पावर 1 कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग का क्या करते हैं, इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक है। और ये 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा 3, ठीक है। यदि हम लोग निकालते हैं वाई और निकालते हैं जेड, वाई और क्या निकालते हैं जेड। तो देखिए वाई यहाँ पे और जेड यहाँ पे, इसमें भी 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 और हम लोग इसको गुणा करेंगे, 3 के पावर ये दे रखा है 2 और 3 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 के पावर क्या, 3 हो जाएगा। फिर से अगर हम लोग क्या निकालते हैं, जेड और एक्स निकालते हैं दोस्त, तो जेड यहाँ पे दे रखा है, एक्स यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 ये हो जाएगा 2 के पावर क्या, 3 और गुणते ये 2 के पावर ये हो गया। अब ये 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2, 3 के पावर कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होता है दोस्त सबसे क्या लो कॉमन मल्टीपल होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग का सबसे बड़ा जो देखना है वही होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर क्या होता है, 5, यहाँ पे 2 के पावर सबसे 5 बड़ा है इसमें, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। और इसमें सबसे 3 के पावर कौन सा बड़ा है, तो 3 के पावर 4, तो ये 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4। यही हम लोग को क्या निकल के आएगा, एलसीएम इसका निकल जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि यदि एक समकोण त्रिभुज में, यदि एक समकोण त्रिभुज में ये दे रखा है हमको, यदि कह रहे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ए समकोण है, इसको बी को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सी। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्त कि ए के सामने वाली यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कर्ण क्या था, ए था। यहाँ पे हम लोग बी सी के सामने वाले मान लेते हैं, ये सी होगा भुजा और बी के सामने वाली क्या होगी, बी होगी, ठीक है। हमें पूछ क्या रखा था, पूछ रखा था ए ब्रैकेट में बी कास सी माइनस सी कास बी का वैल्यू पूछ रखा था, ठीक है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज एक हम लोग राइट एंगल बनाते हैं और इसमें 90° के सामने वाली जो भुजा होती है दोस्त क्या होती है, कर्ण होती है, यानी उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो ये हम लोग का थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब होती है और जो बचता है क्या हो जाता है, आधार हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो देखिए ए ब्रैकेट में बी कास सी माइनस सी कास बी, इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग निकालते हैं कास सी का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए कास सी का वैल्यू दोस्त निकालेंगे तो कास सी इक्वल टू होगा, थीटा के सामने वाली भुजा कभी भी लंब होती है, तो ये हो जाएगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो कास सी बराबर होता है आधार बटा के कर्ण होता है। तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा बी बाई क्या, ए हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कास बी की बात करें दोस्त, तो देखिए बी के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये 90° के सामने वाला सदैव कर्ण होता है और जो बचता है क्या होगा, आधार होगा। तो ये लंब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये आधार बचेगा। तो यहाँ पे सी बाई क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। अगर हम इसका पुट इसमें करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ए ब्रैकेट में आएगा हम लोगों का बी इंटू कास सी की जगह पे रखते हैं बी बाई ए, और माइनस का रखते हैं सी इंटू बी की जगह पे सी बाई ए रखते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर बाई ए और माइनस सी स्क्वायर बाई ए। अगर हम लोग ए फ्रेंड्स कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए बाई ए और ब्रैकेट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए से कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये हम लोग का क्या होगा राइट यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन दे रखा था एक्स बाई अंडर रूट 162 इजकल टू अंडर रूट का 128 बाई हम लोग का दे रखा था एक्स। हम लोग का पूछ रहा था एक्स की वैल्यू क्या होगी। फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये होगा एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 162 इंटू क्या 128। ये होगा दोस्त अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं दोस्त तो एक्स स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 और गुणते 2 और गुणते इसको हम लिख सकते हैं 64 और गुणते क्या दोस्तों लिख सकते हैं 2। ऐसे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं दो टर्म में। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 81 होता है ये 9 का होता है तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा 9 हो जाएगा, और 64 का क्या होता है दोस्त स्क्वायर रूट यहाँ पे 8 होता है, फिर इसका 2 का यहाँ पे देखेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्त तो 2 हो जाता है। इसको अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 9, 8, 72 दोनों क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 144 यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना ईजी पूछ रहा है क्वेश्चन, ये हम लोग का हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन एक देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को आराम से किया करें, ठीक है, और आसानी से लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आंसर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर दे रखा है 144, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 12, ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा था किसी मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है और 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो कुल कितना कमी या वैसी हो रही है या अधिक हो रही है। तो इसको निकालने के लिए दोस्त हम लोग एक पढ़े होंगे फार्मूला x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बाई क्या x 100 होता है, क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पे अगर माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं तो माइनस कर लेते हैं, और प्लस होता है तो प्लस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, बाकी फिर क्या रहा है 10% की कमी हो रही है, और यहाँ पे देखिए फिर हम लोग 20 लिखेंगे और गुणते माइनस के 10 रखेंगे तो यहाँ पे बाई क्या रहेंगे 100। तो ये हो जाएगा 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, और माइनस का ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और माइनस 2 में कम 2 हो जाएगा, तो 10 में से ये क्या करेगा 2 घटेगा तो 8% की क्या होगी दोस्तों अभी भी क्या हो रहा है इसकी वृद्धि हो रही है, 8% की क्या हो रही है फिर भी वृद्धि हो रही है। अगर माइनस का आता है तो यहाँ पे कमी होगी, और जब प्लस का आता है तो क्या होगी इसमें वृद्धि होगी दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्त हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है 4, 16, 20 का अगला प्रोपोर्शन क्या होगा दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं दोस्त कि हम लोग बीच वाले का क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं और नीचे वाले से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, चौथा प्रोपोर्शन पूछ रहा हो तो। यहाँ पे देखिए हम लोग चौथा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे 16 गुणते 20 बटा में क्या 4। तो ये 4 पंजे होता है दोस्त 20, और 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। ये हम लोग का क्या आएगा चौथा प्रोपोर्शन, मतलब चौथा क्या आ जाएगा समानुपात आ जाएगा, ठीक है। अगला दिया था दोस्त कि मोड हम लोग का पूछ रहा था मोड, ठीक है, मोड क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है, और मीन हम लोग का दिया है कितना 4 दे रखा है, और मीडियन दे रखा है कितना 5। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे लगाएंगे तो एक फार्मूला होता है दोस्त कि मोड इजकल टू 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 मीन होता है, ठीक है, 2 इंटू मीन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू ये मीडियन की जगह पे 5 रखते हैं, और माइनस 2 इंटू यहाँ पे मीन की जगह पे क्या रखते हैं 4 रखते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5 × 15 माइनस 4 × 2 = 8 घटेगा क्या आएगा 7 हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा था यदि किसी वस्तु का कास्ट प्राइस हम लोग का 6300 रुपया दे रखा है 6300 रुपये यानी सीपी दे रखा है कितना 6300
ये बहुत सिंपल सा सवाल था, और कह रहा है कि उसे 6% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो SP ज्ञात करो। प्रॉफिट परसेंट जो है ना दोस्त, क्या है प्रॉफिट परसेंट जो है ना, कितना है 6% है, और कह रहा है कि इसका क्या निकालो, SP तुम निकाल कर दिखा दो। ठीक है, क्या निकाल दो, SP निकाल कर दिखा दो। तो दोस्त SP इक्वल टू होता है क्या 6300 यानी CP और गुणते क्या, नहीं इसका 6% निकाल कर जोड़ दो, या तो क्या कर दो 100 में एक कैरे 6 जोड़ दो, तो 106 बटा में क्या हो जाएगा 100 होगा, 00 से 00 ख़त्म, यानी 63 गुणते 100 क्या 6, इसका आप करेंगे तो आएगा 6, 6, 7 और 8, ये हम लोग का ये रुपया आ जाएगा, इतना इतना रुपया उसका क्या होगा SP हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा था फ्रेंड्स बहुत ईजी कि अंडर रूट 42.25 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे देखिए हम लोग 5 का निकालते हैं तो ये 5 ही होता है, और 42 किसके पास है तो 6 के पास है, तो यहाँ पे 6 का क्या कर देंगे लगा देंगे, 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 आंसर इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगला दे रखा था कि 5 पाइप है ना किसी हौज को 8 घंटे में भर सकते हैं, तो उसी तरह के पाइप 8 पाइप हैं तो उसे कितना घंटे में भर सकते हैं। ये तो वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन है दोस्त, इसे आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं क्या m1 d1 = m2 × d2, तो 5 पाइप है फ्रेंड्स, क्या है 5 पाइप हैं, कितना घंटे में भर रहे हैं 8 घंटे में भर रहे हैं, इसी प्रकार के 8 पाइप हैं तो कितना घंटे में भरेंगे। तो हम लोग H1 निकाल देते हैं, चाहे H2 निकाल देते हैं, देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कितना घंटे में भरेंगे 5 घंटे में भर सकते हैं उसको, कितना घंटे में 5 घंटे में उसे क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। इतना इजी पूछ रहा है सवाल कि आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बस यही है कि उस पर कंस्टेंट बनाए रखना है और उसे आराम से करना है और जाना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा था एक हम लोग का दे रखा था रेक्टेंगल, यानी एक दे रखा था आयत और उसका एरिया दे रखा है हम लोग का 150। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक आयत ऐसा था और उसकी एरिया क्या थी, एरिया थी जो दोस्त यानी क्षेत्रफल जो था कितना था 150, इसका लेंथ दे रखा था 100, यहाँ पे 15 दे रखा है, एक लेंथ कितना दे रखा है 15, तो इसकी ब्रीथ जो होगी दोस्त क्या होगी, ब्रीथ जो होगी हम लोग कितना होगा 15 दाम में 150 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। कह रहा है कि यदि ब्रीथ लेंथ क्या क्या 4/3 कर दिया जाए, लेंथ का क्या कर दिया जाए, लेंथ का क्या कर दिया जाए 4/3, तो लेंथ क्या है 15, इसका 4/3 अगर कर दिया जाए तो 3 × 5 = 15, 5 कितना हो जाएगा 20। तो पूछ रहा था कि इसका नया परिमाप क्या होगा, तो परिमाप इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, परिमाप इक्वल टू होता है 2 कोष्टक में L प्लस क्या होता है B होता है, तो 2 कोष्टक में L का मतलब आप रखेंगे 20 और प्लस B का मतलब रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 और 20 30 और 30 में 2 से गुणा कर देंगे दोस्त, हो जाएगा कितना 60, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इससे आसान तो कुछ पूछ नहीं सकता है दोस्त। ठीक है, दे रखा था कि एक ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है बिना रुके, बिना रुके किसी ट्रेन की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बिना रुके हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब विदाउट क्या स्टॉप है ना, और फिर स्टॉप जो कर रही है ना तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, मतलब उसकी चाल जो है रुके हुए मतलब स्टॉप क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहाँ पे रुक रुक के जा रही है तो उसका 40 किलोमीटर पता है, और स्पीड उसकी जो बिना रुके क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा ना कि वह एक घंटे में कितना स्टॉप लेगी, एक घंटे में कितना स्टॉप लेगी, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है दोस्त कितना है, तो ये हम लोग का 20 है, कितना है 20 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हम लोग का देखना है, किससे आ रहा है 60 से आ रहा है तो 60 कर देंगे, तो 20 दें क्या 60, तो 1/ क्या आ जाएगा 3 और गुणते मिनट में इसको चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 है ना, 20 मिनट का क्या ले रही है स्टॉप ले रही है, तो एक घंटे में कितना स्टॉप लेगी, तो बताएंगे 3 स्टॉप लेगी, कितना लेगी 1 मिनट, समझ रहे हो 20 मिनट में एक स्टॉप, तो एक घंटे में कितना 3 स्टॉप का लेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि ए माइनस बी बराबर 5 दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 दे रखा है, तो ए और बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त कि ये क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं
और नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्त कि नंबर सिस्टम एक बार रिपीट करके जाएं और जितना भी फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसे आप एकदम जुबान पे रखें, तब तो आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, अगर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं दोस्तों, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो a माइनस बी की जगह पे हम लोग रखेंगे 5, तो ये 5 का स्क्वायर होगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम लोग रख देते हैं 41, दे रखा है हम लोग का 41, तो माइनस का 2 इंटू ए बी। ठीक है, अभी देखिए माइनस है इधर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 25 माइनस 41 बराबर माइनस का 2ab, ये कटेगा तो माइनस का 16 आएगा बराबर माइनस का 2ab, ये कट जाएगा माइनस से माइनस और 2 8 क्या होगा 16, ए भी बराबर क्या आएगा 16, यही हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।